अभी हम झारखंड के रामगढ़ ज़िले के मनुआ में खड़े हुए हैं। हमारे दाहिनी तरफ रोड के उस पार अलीमुद्दीन अंसारी का घर है। अलीमुद्दीन अंसारी को लिंच किया गया था, उनको भीड़ ने घेर के मारा था और उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी हमारे साथ मरियम खातून हैं, अलीमुद्दीन अंसारी की बीटो। मरियम, आप मुझे ये बताएं कि जो 10 लोगों को कोर्ट ने बेल दे दिया जिनका कन्विक्शन हुआ था लोअर कोर्ट में, क्या कहेंगी आप उस पर? एक मंत्री होके ऐसा काम किया तो मंत्री के ही से निकला है, और ऐसा कानून एक जगह कहीं उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है सबूत के साथ में, एक जगह बोल रहा है कि नहीं, इस सबूत को हम नहीं मानेंगे। केंद्रीय मंत्री भाजपा के एक बड़े लीडर ने वो जो 10 अक्यूज जिसको 10 कन्विक्ट जो थे इस केस में जिनको बेल मिली, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। जयंत सिन्हा की हम बात कर रहे हैं, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगी आप उनको, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज क्या है, सुन के तो दुख हुआ, लेकिन एक पढ़े लिखे मंत्री होके, इन केंद्र मंत्री होके जब ऐसा काम कर सकता है तो अनपढ़ गवार आदमी जो पढ़े लिखे नहीं रहेगा वो क्या करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मंत्री की आयु तो मंत्री है, उसे सोचना चाहिए। वो तो एकदम ऐसा खुशहाली उससे कर रहा है कि किसी को जान बचा के आया है। एक केंद्र मंत्री है ऐसे एक काज कर लो, মানে একটা সামাজিক কি মেসেজ দিতে চাইছে যে তোমরা যা ইচ্ছা তোমরা করো, আমাদের উপর আমাদের হাতে কোর্ট আছে, কানুন আছে, থানা পুলিশ সব আছে আমাদের হাতে, 6 মাস 1 বছর যতদিন তোমরা আছো থাকো, পরে আমরা বার করে নেব। এটা আমরা একটা দেখলাম যে যবে থেকে বিজেপি সরকার হয়েছে পর 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 একটা ঘটনা ঘটছে, মুসলমানের অনেক আহত হয়েছে, এর মানে শুধু আমার বাপেরই কেসটা নয়, অনেকই লোকের এরকম ভাবে হয় ঘটনা ঘটেছে। তো আভি কিয়া পরিশানিয়া হো রহি হ্যায়, কেসে সব কুছ চল রাহা হ্যায় ইসকে বারে মে? মেরে সাথ তো বহুত পরিশানিয়া হ্যায়, আব হাম কিয়া বাতায়ে কি কিতনা পরিশানিয়া হ্যায় মেরে সাথ, মেরে বচ্চে লোগ পড়নে কা হ্যায় সবকো দেখি, মেরে বচ্চে লোগ হাম ঘর চালানে ইয়া পেট পালেনে বচ্চে লোগ কে পড়ায়, अरे मेरा छोटा बच्चा भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देखे, वो भी अभी सबको देखिए एडमिशन हो रहा है, लेकिन हम पैसा खा के एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो एडमिशन कहाँ से करूँ इंटर का। और मेरी मंझली लड़की तो पढ़ाई छोड़ती, मैट्रिक करके छोड़ती, हम पढ़ेंगे कैसे? मैं मेरी 2-3 बेटी है, तो एक बेटी मेरी बड़ी लड़की शादी कर चुकी है, सिर्फ 2 लड़की हैं, मेरे टोटल बच्चे 6 बच्चे हैं। देशटा এটা গোটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে মানে কি বলবো, সোনার মানে পাখি বলা যেত, যেটা সোনার পাখি, কিন্তু সে দেশটা একবারে ভেঙে গেছে, মানে কিছু নাই, এই দেশটা একবারে খোখলা হয়ে গেছে, মানে কিছু নাই। এখন কেমন ভয় ভয় মনে পড়ছে যে যদি বাইরে যায়, যদি কেউ বলে যে না এটা মুসলমান, যদি বাই চান্স যদি সেরকম সংগঠন যদি কোনো লোক দিয়ে চলে এসেছে, তাহলে জীবনটা যাবে, যাবেই নিশ্চয়ই, মানে এমন একটা ভয়, এমন একটা পরিস্থিতি চলে এসেছে। एक चीज बताइए, आज से पहले तक आप जो ये कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, इसमें आपको सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का, मीडिया का, कोर्ट का, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट मिला, इसीलिए वो कन्विक्शन भी हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया, प्रोसिक्यूशन ने केस बहुत मजबूती से रखा, आपके तरफ के लॉयर ने बहुत मेहनत की सबूत इकट्ठा करने में, सब कुछ हुआ, मीडिया ने आपके इश्यूज को बहुत जगह दी, हाईलाइट किया, जिसकी वजह कर एक रिजल्ट आया कि वो सारे जो उसमें अक्यूज थे उनका कन्विक्शन हुआ। लेकिन ये जब उनको बेल मिली और वो लोग वापस जेल से जब लौटे, तो क्या आपको एक तरह का धक्का लगा, जो आपके अंदर हिम्मत थी लड़ने की, क्या उस पर कोई चोट पहुंची है?
नहीं, हमारा हिम्मत अभी भी वैसा ही बरकरार है। लेकिन हम ये खाई सोचते हैं कि जब इतना बड़ा मंत्री जी कैसा काम कर सकता है तो हमें अब आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हम तो खुद अपना पेट पाल नहीं सक रहे हैं, तो हम अब लड़का पाएंगे उन लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ कहाँ से पाएंगे। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। আমি একটাই কথা বলবো যে আমাদের সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটেছে আর এইভাবে মা যে প্রত্যেকটা জিনিসটাকে কেস থেকে নিয়ে সমাজ মানে মানে এই পরিস্থিতির মধ্যে যেভাবে মাকে আঘাত পেয়েছেও যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো, এবারে কি করব, অন্য মহিলা থাকলে মানে ঘরে বসে যেত আর কিছু করতে পারতো না, কেন অনেক অনেক ওরা অনেক বড় বড় লিঙ্ক থেকে জুড়ে আছে, তাদের পিছনে পার্টি পলিটিক্স আছে, তাদের অ্যাগেনস্ট কিছু করা করতে আগে মানে ভাবতে হবে যে ওদের অ্যাগেনস্ট যদি কিছু করি তা আমার কিছু ক্ষতি হবে নাকি, সব কিছু জানা সহ মা যে এত দূর অবধি গিয়েছে, হ্যাঁ এত দূর অবধি গিয়েছে একটা মূর্খ মহিলা হয় সেটা আমার কাছে অনেক গর্বের ব্যাপার, এবং মাকে আমি আমার জন্য একটা আইডল মনে করি যে এইভাবে ঘটনাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল মা, এত দূর জেলা থেকে হাইকোর্ট অবধি লড়েছে, তো এটার জন্য আমি খুব প্রশংসিত মায়ের কাছে এবং খুব ধন্যবাদ করি মাকে। जब लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट को कि इनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसका एक ऑर्डर कोर्ट ने पास किया था साइमल्टेनियसली। उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन अब तक नहीं हुआ है, जो कंपनसेशन का प्रोसेस है ऑफिशियल प्रोसेस उसमें डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो अथॉरिटीज़ हैं वो आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि डेथ किसके जुरिसडिक्शन में हुई, क्योंकि अलीमुद्दीन अंसारी की जब लिंचिंग हुई तो वहाँ पे मौके पे उनकी मौत नहीं हुई थी, पुलिस वहाँ पे पहुँची, इनके बॉडी को रिकवर किया घायल अवस्था में, इंजोर्ड हालत में, उसको गाड़ी में ले जाते हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मौत हुई, लेकिन उस किस ज्यूरिसडिक्शन में, जब वो जो गाड़ी जो व्हीकल जिसमें इनको ले जाया जा रहा था वो व्हीकल का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे था, वो किसका ज्यूरिसडिक्शन था, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, और जिसकी वजह कर उस ज्यूरिसडिक्शन ना होने के पास ये लीगल हर्डल्स हैं। फाइनली इसमें सफरर कौन है, वो लोग जिन्होंने अपने फैमिली के ब्रेड विनर को खोया, अभी उनको ऑफिसेस टू ऑफिसेस डोर नॉक्स करने पड़ रहे हैं ये इस बात के लिए कि उनको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि वो जमा कर दें कंसर्न्ड ऑफिस में, और यहाँ से उनको वो जो कंपनसेशन का अमाउंट है जिसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो इनको मिल सके, ताकि थोड़ी सी राहत की सांस ले सकें ये लोग।